वाराणसी अशफाक नगर कॉलोनी के साड़ी फिनिशिंग कारखाने में आग लगने से दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब 12 बॉय और 10 फुट के कमरे में खाना बनाने के दौरान अचानक आग लग गई। इस दौरान कमरे में बिजली के तारों में आग लगने शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे कमरे में रखी साड़ी फोम फिनिशिंग के सामान तेजी से जलने लगे। इस दौरान आग बुझाने के प्रयास में 4 लोग कमरे में ही फंस गए और आग के लपटों के बीच मालिक और उसके बेटे समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि जिस मकान में हादसा हुआ वो मकान संकरी गली में स्थित है। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग दूसरे मकानों तक नहीं फैली, वरना हादसे में मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता था। जिस कमरे में आग लगी उस कमरे में लोगों ने गैस सिलेंडर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत करते हुए कमरे की आग तो बुझा ली, मगर आग की लपटों के बीच फंसे लोगों को नहीं बचा पाए। क्या हादसा हुआ है उसके बारे में पूरा जी? यहाँ वाराणसी में मदनपुरा के एक व्यक्ति थे जो अशफाक नगर में अपनी साड़ी की फिनिशिंग का काम करते थे। उन्हीं के कमरे में जहाँ वो साड़ी फिनिश और पैक करते थे, उनके कमरे में सुबह लगभग 12:45 बजे के आसपास आग लग गई और आग लगने से उनका बेटा, वो खुद और 2 लेबर जो बिहार के थे, वो चारों उसमें घिर गए। वो खाना बना रहे थे वहाँ पे, जो सब्जियाँ वगैरह और कुकिंग के यूटेंसिल बरामद हुए हैं उससे संभवतः जो फायर ने अभी तक जांच की है उसमें खाना बनाने की वजह से वहाँ बिजली के तारों ने आग पकड़ ली। और आग पकड़ने की वजह से, क्योंकि साड़ियों का काम था, अंदर की सिंथेटिक फोम और बाकी भी अन्य सामग्री सिंथेटिक रखी हुई थी, तुरंत ही वो 12 फुट बाई 10 फुट के कमरे में वो आग घिर गई और चारों लोग संभवतः उसी में फंस गए। उसके फंसने की वजह से उनकी तत्काली मृत्यु हुई। जब मोहल्ले वालों को पता लगा तो बहुत ही तत्परता का परिचय मोहल्ले वालों ने दिया। बगल में एक मकान अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसी का पंप यूज़ करते हुए हाई प्रेशर जेट से सब मोहल्ले वालों ने मिलकर आग बुझाई। वहाँ एक सिलेंडर था, उसको भी अलग किया और बड़ी घटना होने से बचाया। मोहल्ले वालों की तत्परता से आग तो बुझ गई, परंतु बड़ी दुखद बात है कि 4 लोग जो अंदर फंसे थे वो जिंदा नहीं निकल पाए। उन चारों की डेड बॉडी निकाली गई है, अभी तक वो कमरा गर्म है, उसको ठंडा किया जा रहा है। चारों के जो परिजन हैं उनको सूचना दे दी गई है। मदनपुरा के जो रहने वाले हैं उनके बेटे भी आ गए हैं और जो अररिया के मजदूर हैं उनके फादर भी लोकेट हो गए हैं। इन सबको आपदा राहत के अंतर्गत हम लोग कल ही मुआवजा जारी कर देंगे। आज इनको पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले जाया जा रहा है और शाम तक इनको परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बड़ी दुखद घटना है, परंतु मोहल्ले वालों ने जिस तत्परता का परिचय दिया है उससे एक बड़ी घटना को इन्होंने रोकने से बचा लिया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार क्या वजह लग रही है आग लगने की? जैसा हमने भी देखा है और फायर ने भी देखा है, वहाँ पे चूल्हे पे खाना बनाने का काम चल रहा था, आलू प्याज की सब्जी वहाँ बन रही थी और वो जो आग लगा जो गैस थी वो बिल्कुल बिजली के मोटे तारों के नीचे ही रखी हुई थी। उसी से लगता है कि या तो बनते टाइम ही कोई लापरवाही हो गई है या किसी अन्य कारण से ऊपर के तारों ने आग पकड़ ली और वो शायद चिपक के उसके माध्यम से आग बढ़ी। और अंदर फोम का मटेरियल काफ़ी रखा हुआ था, सिंथेटिक साड़ियाँ थी, तो वो उनसे आग और भी ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गई। संभवतः इन लोगों ने कुछ माल को बचाने की कोशिश की हो, आग बुझाने की कोशिश की हो। बिजली के इतने सघन तार अंदर ही थे कि वो गेट पे लटके हुए हैं, उससे बाहर निकलना भी संभव हो सकता है शायद ना हो पाया हो। तो कुल मिला के जो खाना बनाने की घटना है उसकी वजह से बिजली के तारों की आग लगने की वजह से ये आग लगी और लगभग ये आग आधे पौन घंटे में बुझा भी ली गई और आगे स्प्रेड होने से मोहल्ले वालों ने इसको बचाया, पर अंदर जो लोग थे वो नहीं निकल पाए। मृतकों में कितने उम्र के लोग थे, जो बच्चे थे, औरतें थी, क्या कौन कौन थे? इसमें 45 वर्ष के एक आदमी हैं जो उसके मालिक थे, उसी के बेटे हैं जो 22 वर्ष के हैं, ये बाप बेटे जो हैं। इनके अलावा 2 लेबर क्लास के नवयुवक थे, एक 18 साल के एक 17 साल के, वो 2 बिहार के रहने वाले हैं। इस दर्दनाक हादसे में मदनपुरा निवासी फैक्ट्री मालिक और उनके बेटा समेत बिहार के 2 मजदूरों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।